नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षद गुलाटी वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का आरंभ करते हुए बताया कि कैसे भारत अगले कुछ महीनों में 135 करोड़ जनता को टीकाकरण करेगा। इसके पहले दिन यानी 16 जनवरी को 3 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही अगले दो फेज में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को जुलाई से पहले वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इतना बड़ा वैक्सीनेशन आज तक पूरे इतिहास में कभी नहीं किया गया है। यूएसए, चीन और भारत सिर्फ यही तीन ही ऐसे देश हैं जहां 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो हिंदुस्तान में दो वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, जिसमें कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जा चुके हैं। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेवलप किया है। इसके साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड द्वारा डेवलप की गई है और भारत में मैन्युफैक्चर की जा रही है, इसको भी भारत में दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को भारत में भरोसा है और ब्राजील भी वैक्सीन भारत से ही लेने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम पहला वो देश था जिसने वैक्सीनेशन शुरू किया था, जिसके साथ साथ अर्जेंटीना, रशिया, यूएसए और कई देशों ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। मगर भारत की आबादी इन सब देशों से कहीं ज्यादा है। इन सब देशों में दिसंबर 2020 में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था और अब भारत में 16 जनवरी 2021 यानी आज सबसे पहला टीकाकरण किया जाएगा। खैर, भारत में सबसे पहले सुलोचन कटारिया वो शख्स बनेंगे जिन्हें कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। इनके साथ साथ एम्स और ICMR के डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था कि कोविड और लॉकडाउन के समय में स्वास्थ्य कर्मी ही थे जो फ्रंट लाइन पर थे और अपने घर वालों से नहीं मिले थे, अपने प्यार करने वालों से नहीं मिले थे। मगर अब वो समय आ गया है कि जब पूरा देश इन स्वास्थ्य कर्मियों का और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स का एहसान चुकाएगा और साथ ही इनके सपोर्ट में खड़ा होगा। इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस को और अन्य सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।